हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आप चारकोल के थ्रू एक रियलिस्टिक हेयर कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो गाइस, चारकोल से मैं आज पहली बार एक हेयर्स ड्रॉ करने वाला हूँ, तो शायद ही अच्छा बने। तो कोशिश करता हूँ कि अच्छा बने और आप लोगों को समझ में आता रहे कि मैं कैसे क्या कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, हेयर्स की जो है आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपके फ़ोन में दिखाई थी। और एकदम हल्के हाथों से मैं इसको ड्रॉ करूँगा। और गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आउटलाइन बनके रेडी हो चुकी है। और अब हम इसमें चारकोल पेंसिल का फुल यूज़ करेंगे, कहीं मतलब हम एचबी पेंसिल का यूज़ नहीं करेंगे। तो काफ़ी रफ़ पेंसिल है ये, और पेज भी काफ़ी रफ़ ही है हमारा। तो मैं एकदम हल्के थोड़े डार्क से कर रहा हूँ, क्योंकि अभी नीचे की जो उसका पोर्शन है वो थोड़ा डार्क है, इसलिए मैं डार्क कर रहा हूँ। और जहाँ जहाँ इसके हेयर्स जैसे 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 मूव हो रहे हैं, मैं उसको उस तरह से इसके हेयर्स के स्ट्रोक लगा रहा हूँ। तो आप मेरे हैंड को फॉलो करो, आप देखते रहो कि मैं कैसे कर रहा हूँ। और गाइस, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको पहले पिक्चर ऑब्ज़र्व करनी है, ताकि आपको ये मालूम चल सके कि कहाँ पे डार्क एरियाज़ है और कहाँ पे लाइट एरियाज़ है। तो अगर आप इस चीज़ का ख्याल रखते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और गाइस, एक बात और, चारकोल पेंसिल के साथ आप पूरी अगर आप हेयर्स बना रहे हो तो चारकोल पेंसिल से आप पूरे हेयर्स ब्लैक मत करो पहले, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पहले पूरे हेयर से ब्लैक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हाईलाइट करने के लिए वो मोनो इरेजर का यूज़ करते हैं। तो गाइस, अगर आपके पास मोनो इरेजर नहीं है तो आप बिना मोनो इरेजर के भी हाईलाइट्स ला सकते हो अपनी ड्राइंग में, वो भी बिना कुछ इरेजर के यूज़ करें। वो कैसे मैं आपको दिखाता हूं। तो गाइस, आपको स्ट्रोक ही ऐसे लगाना है कि आपको मतलब ऐसे लगाना है कि एक साइड डार्क, एक साइड आपको छोड़ देना है, फिर एक साइड डार्क, एक साइड आपको छोड़ देना है। तो जैसा मैं कर रहा हूं, आप देख सकते हो। तो अब नीचे की ओर थोड़ा बहुत डार्क है, इसलिए मैं उसको थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, लेकिन पूरा डार्क नहीं करूँगा कि ये होकर पूरा ब्लैक हो जाए। मैं इसको पूरा डार्क नहीं करूँगा, जहाँ बस डार्क डार्क है मैं वहाँ कर रहा हूँ बस। तो आप बस मेरे हैंड को फॉलो करो और देखते रहो कि मैं कैसे स्ट्रोक लगा रहा हूँ। और गाइस, मैं एकदम हल्के ब्रश से इसको ब्लेंड करूँगा, एकदम आराम आराम से। गाइस, आपको मतलब ब्रश का भी थोड़ा ख्याल रखना है कि आपका ब्रश हो थोड़ा ज़्यादा मुलायम ब्रश ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चाकू में से थोड़ी पेपर में जब लगती है तो थोड़ी एकदम सॉलिड जैसी हो जाती है, और फिर उसको ब्लेंड करना किसी सिंपल ब्रश से थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं आपको रेफ़र करूँगा कि आप थोड़े मोटे ब्रश से ही इसको थोड़ा ब्लेंड करें, फॉर एग्ज़ाम्पल मेकअप ब्रश जो होता है आप उससे ब्लेंड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गाइस, आप देख सकते हो कि हेयर्स जो है वो अभी से लग रहे हैं सही थोड़े बहुत, लेकिन अभी इसमें और भी काम करना बाकी है। तो गाइस, मैं इसमें अभी इसकी बियर्ड भी बनाऊंगा, तो बियर्ड बनाऊंगा तो मैं आपको दिख सक आपको हर चीज़ मालूम पड़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं जहाँ पे थोड़ा नीचे ऊपर बीच में थोड़ा डार्क है, मैं वहाँ पर इसको डार्क कर रहा हूँ, और इसको भी हल्के हाथों से ब्लेंड कर लेंगे। गाइस, जहाँ पे आपको ज़्यादा वाइट दिखे तो वहाँ पे भी आप इसको ब्लेंड कर सकते हो, क्योंकि किसी को ज़्यादा पसंद नहीं होता है। और गाइस, आप देख सकते हो कि मेरे पास एक पेंसिल है, उसके पीछे एक इरेजर लगी है, मैं उसका यूज़ करके ये तो गाइस ऐसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप इससे भी हाइलाइट्स यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास मोनो इरेजर नहीं है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं। और देखिए गाइस, हाइलाइट्स ही मतलब हो चुके, लेकिन मैंने कम कर दिया, और पेंसिल थोड़ी शार्प करूँ इसके बाद। गाइस, चारकोल पेंसिल जो है वो शार्पनर से शार्प नहीं हो पाती, होती भी तो बहुत मुश्किल से होती है, बहुत बार टूट जाती है, तो इसलिए मैं इस कटर का यूज़ करता हूँ। अब गाइस, हम इसकी बियर्ड पे आएंगे। सबसे पहले हम इसके साइड हेयर्स बनाते हैं, नीचे वाले जो होते हैं, इसको भी हम आराम आराम से बनाएंगे। तो गाइस, बस आपको हेयर्स के स्ट्रोक मतलब आपको देखने ध्यान से पिक्चर में कि आपके जो हेयर के स्ट्रोक है वो कैसे कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो कर लिया तो आपके जो हेयर्स और बियर्ड है वो काफ़ी अच्छे बनेंगे, बस आपको इन्हीं चीज़ का ख्याल रखना है। और गाइस, पेज आपको वो आप सोच रहे होंगे ये पेज फोटोकॉपी वाला है, नहीं गाइस, आपको पेज लेना एकदम रफ़। आपको अगर आपके पास कोई स्टेशनरी शॉप है तो आप वहाँ पे जाओ और बोलो कि हमें कार्ट्रिज शीट चाहिए। गाइस, कार्ट्रिज शीट एक 5 रुपये वाली आती है, एक 8 रुपये वाली आती है, और गाइस और भी शीट होती है वो ज़रूर। अगर गाइस आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके लिए कार्ट्रिज शीट काफ़ी अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए। तो आपको बस इसी चीज़ का ख्याल रखना है कि आप पेज एकदम रफ़ यूज़ करें। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि इसके साइड हेयर कंप्लीट हो चुके हैं, अब मैं इसकी बियर्ड और मस्टैच की ओर आ गया हूँ। गाइस, मैं काम बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ, आपको भी ये काम बहुत धीरे करना है, क्योंकि चारकोल पेंसिल से अगर कोई गलती हो जाती है बाय चांस तो चारकोल पेंसिल का एरेज होना बहुत मुश्किल हो जाता है।
और कभी कभी आपकी जो पेज है वो फट भी जाता है, तो इसलिए आप चाकू के साथ थोड़ा मतलब सावधानी बरते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बियर्ड तो मैं खैर पूरी काली रखूँगा, ज़्यादा मतलब उसमें हाईलाइट दूँगा नहीं, हाईलाइट बियर्ड के ऊपर से दूँगा मैं। तो इसको भी मैं एकदम हल्के हाथ से ब्लेंड कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। और गाइस ये इसके नीचे वाला सा जो उससे कलमे होती है वो, और गाइस अब इसकी बियर्ड को हम ब्लेंड करेंगे आराम आराम से। और अब इसकी मस्टैच को हम ब्लेंड करेंगे। तो गाइस फाइनली जो हमारी ब्लेंडिंग का काम है वो कम्प्लीट हो चुका है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब गाइस बस इसके ऊपर वाला हिस्सा रह रहा है जो हमने इसकी चोटी छोड़ दी थी। सबसे पहले हम जो साइड साइड में जो थोड़े बहुत हेयर्स होते हैं छोटे छोटे जो ट्रिम करे होते हैं, हम इसको भी थोड़ा बना देते हैं और इसको भी एकदम थोड़ा हल्का सा ब्लेंड कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। और इसको भी एकदम हल्के से हाथ से ब्लेंड कर देते हैं। और ये कुछ इस तरह के आप देख सकते हैं ब्लेंड हो चुका है। अब हम इसके ऊपर आएंगे जो हमने ऊपर का पोर्शन छोड़ दिया था। तो ये इसमें ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा मतलब हाइलाइट्स यूज़ करो क्योंकि ये चीज़ तो ऊपर की है। और ये मतलब रबड़ है, इसकी रबड़ बांध देते हैं हम। और चारकोल पेंसिल को आपको वक्त वक्त पे मतलब शार्प करनी चाहिए क्योंकि अगर ज़्यादा मोटी जो उसकी निब होती है अगर आपने उससे बनाया तो हेयर्स की जो स्ट्रोक होता है काफ़ी मोटे हो जाते हैं और ब्लेंड करने में दिक्कत होती है, तो इसलिए आपको पेंसिल शार्प करके रखनी होती है। आपको बस इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो गाइस फाइनली जो हमारे हेयर है वो कंप्लीट और बियर्ड कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस ये थी आज की पूरी वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो गाइस चलते हैं, मिलेंगे फिर से नई वीडियो के साथ।